2019 हॉर्स वर्ल्ड हम लोग हैं इस वक्त हनुमानगढ़ हॉर्स मेला में और एक और खूबसूरत नुकरा स्टैलियन कोल्ट कह सकते हैं अभी इसे हमारे पास है। इसका नाम है बेताज 65, इसकी हाइट है साइड बाय बेताब। अर्जुन रोड़े वाला लाइन का ये बछेरा है और 27 महीने इसकी उम्र है और 65 की हाइट ये प्लस जा चुका है। बात करते हैं इनके प्राउड ओनर से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम है जी बेताज। और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। और बाबा जी बाबा ने साथ जो खड़े हैं इनका नाम बताइए। सरदार मालक सिंह विर्क। आपका ही घोड़ा सर? हाँ जी। कहाँ से बता रहे हैं सर इस घोड़े को लेकर? हम संत नगर से। संत नगर से आए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। ओके, इस बच्चे के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। ये अपनी होम ब्रीड है। अच्छा, आपके घर पे पैदा हुआ? घर पे पैदा। इसकी मदर अपने घर पे ही है। 66 इंच की घोड़ी है गुलजार लाइन की और बेताब घोड़े का ये बच्चा है। ओके। बेताब घोड़ा अर्जुन रोली वाला का था। जो छोड़ दो, एक मिनट के लिए छोड़ दो उसको। अभी सेल होकर रिलायंस चला गया वो। हाँ। पंजाब में था हमारे। हाँ। तो उधर वहां से दो घोड़ी मेट करवाई थी। ओके। तो ये गाइस 27 महीने को कंसीडर करते हुए बहुत ही अच्छी कद काठी का ये बछेरा है। हेलो स्वीडी। और ये कह रहा है हमसे भी थोड़ी बात करो। गाइस कद काठी में बहुत ही मजबूत ये घोड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसको ब्रीडिंग स्टैलियन बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप के रिंग हाँ में लगाने की तैयारी? नहीं नहीं, ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए इसकी तैयारी। पांच घोड़ी पे छोड़ा अभी तो। हाँ, पांच कंफर्म हो गई है। पांचों कंफर्म हो गई है। हाँ जी, घर की घोड़ियां सभी। हाँ हाँ। तो दो बार की थी, अभी ओपन नहीं किया था। अभी मेले में आए, अब ओपन करेंगे स्टड के लिए। तो अभी स्टड सर्विसेज इसकी ओपन अपन ने की नहीं है। हाँ, अब वो कर देंगे मेले के बाद। अच्छा, मेले पे इसलिए लेके आए हैं, पता लग जाए लोगों को अभी घोड़ा ओपन करने के लिए स्टड सर्विस। हाँ 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 हाँ। और क्या ब्रीडिंग फीस क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी स्टार्टिंग? इसकी 18,000 रुपये है। 18,000? मतलब यार 11, 21, 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
होती है। लोगों से थोड़ा अलग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कोई 15-11-21 तो सभी करते हैं। वाले घोड़े से मीट करवा का है। हाँ जी, घोड़ा आपका बहुत ही सुंदर है, तो इस पे ये थोड़ी बहुत फुलकारी इस घोड़े पर है, हल्की फुलकी है, हल्की फुलकारी है इस घोड़े पर। तो अभी तक इसके रिजल्ट तो मार्केट में आए नहीं है। नहीं, अभी तो अभी बच्चा 27 महीने मिल्क टीथ है अभी। हाँ, तो कितनी घोड़ियां प्रेग्नेंट है अभी इससे? 5 घोड़ी। और कितने टाइम में इसके रिजल्ट आ जाएंगे मार्केट में? 3 महीने की होगी जी प्रेग्नेंट घोड़ी। 3 महीने की हो गई है। तो बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी को भी आप एक मिनट थोड़ी देर माइक दीजिए। हाथ में पकड़ लीजिए, चल रहा देख थे। चलो नहीं, पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। एक बार अपना शुभ नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। सरदार मालक सिंह विर्क। हाँ हाँ। पिंड संत नगर। हाँ। जिला सिरसा। हाँ। हरियाणा। तो ये बच्चा आपने कब ले लिया था सर? ये बच्चा हमने लिया नहीं जी, ये बच्चा बेताब घोड़े का बच्चा, घर का जम्पल है। अच्छा, आपके घर? अपना घर का है। होम ब्रीड। ओके। तो क्या कुछ खास खुराक और क्या कुछ खास इसकी देखभाल कर रहे हैं आपके, मतलब 27 महीने में 65+ कर दिया आपने इसको? खुराक ये है जी, इसकी खुराक भी जो देनी पड़ती ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन ये नस्ल अच्छी, इसकी माँ की हाइट भी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। 66। हाँ हाँ। इसकी माँ की हाइट है। हाँ हाँ। बच्चे बहुत अच्छी देती है। अभी क्या खा रहा है? ये क्या खा रहा है? मूंगफली का, मूंगफली का चारा खा रहा है जी। मूंगफली का चारा खा रहा है। हाँ। और सुबह इसको क्या देते हैं फीड में? फीड वगैरह नहीं, नॉर्मल घर की डाइट, जैसे चना चूरी। हाँ हाँ। मोट बाजरा, बस मोट बाजरा। कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं, कोई एक्स्ट्रा अभी तक। लेकिन सर्दी गर्मी में कुछ तेल वेल वगैरह? तेल बदल देते हैं, मौसम के अनुसार वो बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है। हाँ जी। गर्मी में। और काम कितना दे रहे हैं इस घोड़े को? इसको आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ जी। राइडिंग वाइडिंग में अभी? अभी राइडिंग के लिए आदमी बिठा रखा है, अभी प्रॉपर चलने नहीं लगा। तो मेले में अपना आने का पर्पस मेन यही रहा है कि लोगों को दिखाए कि हमारे पास एक अच्छा घोड़ा खड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है ना, घर पे इतने आदमी से मिला नहीं जाता, ना कोई घर पे इतने आदमी आ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल सारा इधर आ जाता है। क्यों, काफी आप देख रहे हो मेले में कितनी भीड़ है, हर के घर पे जाके ना आदमी से मिला जाता है। राइट। ये चलो घोड़ा दिखाने का तो एक जरिया होता है, दोस्तों को मिल लेते हैं, 3-4 दिन बढ़िया एंजॉयमेंट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कब आ गए थे आप मेले में? हम परसों आ गए थे, घोड़ा आज ही आया। अभी घोड़ा आज ही अभी आया बच्चा। और कब तक रहने का मूड है?
कल मेला खत्म हो जाएगा तो परसों ले जाएंगे। परसों ले जाएंगे। कैसा लग रहा है मेला, कैसा दिख रहा है मेला? बहुत बढ़िया है मेला तो, अच्छा भरा। घर पे भी है जानवर? अपने पास है 14-15 जानवर। मतलब नुकरे या मारवाड़ी? सभी नुकरे ही हैं। सारे नुकरों में? हाँ, जहाँ दो तो अपना मतलब ब्रीडिंग का काम है मेजरली या हाँ, हम लोगों का खरीदना बेचने का काम? दोनों काम ही है, मेन ब्रीडिंग पे अपना फर्क है जी। ब्रीडिंग के लिए ज्यादा जोर है जी। ओके। ये एक खूबसूरत ब्लैक स्टैलियन बुला रहा था मुझे, थोड़ा मुझे भी शूट करो, तो इसको दिखा देते हैं, फिर बाद में इससे वापस बात करेंगे। जिसको समझ में आ गया बात क्यों नहीं कर रहे हो। बहरहाल वापस हम लोग इस बेताज की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा जी इसको अपने पास अभी मेन स्टैलियन तो यही है पूरे फार्म में? ये स्टैलियन अभी स्टैलियन इसको कह सकते हैं, कोल्ट है अभी। बस। तो गाइस स्टैलियन दूसरे स्टैलियन को देखे इस तरीके का बिहेवियर करता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि पहली बार आया घर से बाहर। नर घोड़ा दूसरे नर घोड़े को अपने पास बर्दाश्त करता नहीं है ज्यादा। और पहला मेला कवर कर रहे हैं सर आप? पहले इसको पहले मेले पे लेके आए, अभी बच्चा अभी आज पहले बार घर से बाहर पहली बार ही निकला है। कैसा लग रहा है बाबा जी मेला, कैसा लग रहा है? मेला बहुत अच्छा है जी। मेला अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है मेला। व्यापारी वगैरह आ रहे हैं? व्यापारी वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन अपने जो घोड़ी वाले हैं वो बहुत घोड़िया आये, घोड़े भी आए हैं, शौकीन आदमी सारे बहुत आए जी, जो शौकीन आदमी जो घोड़ी के, हाँ जी वो सारे सारे भाई साहब यहाँ मिलेंगे, ते बहुत अच्छा मेला जी। और अगर यहाँ पर कोई घोड़ी अगर कोई किसान अगर मीटिंग करवाना चाहे तो मेले में भी दे देंगे आप कवरी? नहीं मेले में नहीं जी, घर पे में नहीं देंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा घर पे ही देंगे? मतलब बेताब घोड़ा वो सलमान खान ले गया था, अंकल जसपाल सिंह के पास था सरदार जी ब्राड साहब के, उसी का बच्चा जी। उसका बच्चा, इसका फादर बेसिकली सलमान खान के पास। हाँ जी हाँ जी। अच्छी कीमत पे सेल, अच्छी कीमत पे सेल हुआ। हाँ जी। लेकिन अभी अगर सपोज बाबा जी कोई कोई दूर से किसान आया है घोड़ी लेके और चाहता है कि मतलब यहीं पे घोड़ी भरवा ली जाए, हाँ जी, क्योंकि उसको वापस लाना ले जाना लोडिंग अनलोडिंग, हाँ जी, तो ऐसे किसी स्पेशल केस में मतलब आप अलाउ करेंगे घोड़े को? कोई बात नहीं जी, रहने की जगह सुविधा हर चीज मौजूद है जी। मौजूद है? हाँ जी। कोई भी भाई आए, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उसका। तो जो अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई कोई अपनी घोड़ी कवर कराना चाहे तो आप अपना नाम और अपना फोन नंबर एक बार मेंशन कर दीजिए। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि बाबा जी जो नंबर दे रहे हैं इस पे कॉल करके आप उनको परेशान मत कीजिए, अगर जेन्युइन आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप पे उनको मैसेज डालिए और जरूर बाबा जी उसका आंसर करेंगे। एक बार अपना नंबर और डिटेल वापस से बताइए। नाम मालक सिंह विर्क, हाँ, ग्राम संत नगर, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, और फोन नंबर है 9416263188। एक बार फिर से बताइए नंबर। 9416263188। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत बछेरा है आपका, ईश्वर इसकी उम्र लंबी करे और हम उम्मीद करेंगे कि ये आपका नाम करे। और बस फिलहाल के लिए इतना ही गाइज, ये है खूबसूरत बछेरा बेताज 65 हाइट और 27 महीने का ये बछेरा है। अगर आप चाहते हैं अपनी घोड़ी इससे कवर करवाना तो इनके नंबर इस वीडियो में मेंशन है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और पोस्टर भी देखते रहिए हमारा चैनल RJ19 हॉर्स वर्ल्ड और हम आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह से खूबसूरत घोड़े घोड़ियों के दृश्य और उनके खूबसूरत और जज्बे वाले मालिकों से भी आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। हमें हमसे बात करने के लिए हमको वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं इस बेताज घोड़े के मालिक के नंबर, तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त बे वक्त कॉल करके परेशान मत कीजिए। अगर आपको जेन्युइनली अगर ज़रूरत है तो व्हाट्सएप पे इनको मेंशन कीजिए और वो ज़रूर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।